दोस्तों देखिए, मेरा पास जो है कोटक महिंद्रा बैंक के तरफ से जो वेलकम किट मिल गया, इसमें जो है देखिए एटीएम कार्ड इसके अंदर है। मेरे को एटीएम कार्ड का पिन जेनरेट करना है ऑनलाइन के थ्रू में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑनलाइन के थ्रू में इसका पिन जेनरेट करना। तो इसके अंदर जो है मैं अभी देखिए, यही वो कार्ड नंबर, ये कार्ड है मेरे पास, ये है कार्ड। इसको मैं अनबॉक्सिंग कर लिया। इसके बाद मैं इसको पिन जनरेशन करेंगे, न्यू पिन बनाएंगे। मैं मोबाइल स्क्रीन पे अभी आ गया। दोस्तों चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों अभी मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है मेरे को कोटक बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट वो सर्च करने का है, kotak.com लिख दिया तो यहाँ पे वो पेज खुल गया। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है कोटक का वो ओपन हो गया। ऊपर लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन दिख रहे हैं ना, उसमें मेरे को अभी क्लिक करने का है। तो मैं उसको क्लिक कर दिया थ्री लाइंस पे। यहाँ पे देखिए नीचे कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है मेरे को अभी, कार्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। कर दिया। यहाँ पे नीचे देखिए जेनरेट फॉर ऑल पी कार्ड, जेनरेट पिन फॉर ऑल कार्ड, ये जो लिखा है इसमें क्लिक करने का है अभी। इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर फॉलो डिटेल्स टू चेंज पिन, यहाँ पे चेंज पिन बोल के लिखा है मगर अपने को न्यू पिन बनाना है। यहाँ पे जो है मेरे को डेबिट कार्ड का पिन बनाना है। तो फर्स्ट ऊपर जो है उसमें क्लिक कर लेंगे डेबिट कार्ड वाला। तो मैं अभी क्लिक कर लिया। उसके बाद मेरा कौन सा कंपनी का है वो मेरे को चूज़ करने का है। नीचे देखिए मेरा वीसा रुपे कंपनी का कार्ड है वो मैं क्लिक कर लिया। यहाँ पे देखिए जो मेरा डेबिट कार्ड का जो 16 डिजिट जो नंबर है ना, वो मेरे को यहाँ पे फिल करना है। मैं अभी वो नंबर फिल कर रहा हूँ, 16 डिजिट का। यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे मेरे को मंथ सेलेक्ट करना है। वो कार्ड में लिखा रहता कौन सा मंथ का है वो मैं सिलेक्ट कर लेंगे अभी। नीचे देखिए ईआर बोल के है, कौन सा साल का है, मतलब इसका एक्सपायरी डेट क्या है वो मेरे को अभी इसमें लिखना है। 26 अभी मैं लिख दिया, मेरा जो है डिटेल्स भर दिया। यहाँ थोड़ा नीचे थोड़ा आएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे इंटर सीवीवी, मेरे को जो कार्ड का पीछे वाला जो थ्री अक्षर में लिख कर रहता ना उसको सीवीवी नंबर बोलते, वो सीवीवी नंबर यहाँ पे मेरे को डालना है, वो भी मैं डाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटर न्यू पिन, यहाँ पे जो है ना अपना मनपसंद का 6 डिजिट न्यू पिन बनाना है। तो दोस्तों आपका जो है मनपसंद का वो बना लेना, वही आपका एटीएम का पिन रहता। तो अभी मैं 6 डिजिट वाला पिन बना रहा हूँ। अभी मेरा जो 6 डिजिट का पिन है वो मैं अभी डाल रहा हूँ इसमें। ऊपर जो सेम मतलब जो नंबर डाले ना ऊपर वो भी सेम, नीचे जो नंबर ऊपर डाले नीचे भी सेम वही नंबर डालना है। तो यहाँ पे देखिए सेम नंबर डाल दिया मेरा 6 डिजिट का पिन। तो यहाँ पे जो है मेरे को कंफर्म करना है, तो मैं अभी कंफर्म पे क्लिक करा। देखिए ये एक मैसेज सेंड हो गया, मतलब जो नंबर आपके बैंक के साथ लिंक है वो नंबर पे एक ओटीपी गया, वो ओटीपी जो है मेरे को यहाँ पे मैन्युअली फिल करना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर रहा हूँ,
ओटीपी फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ से मेरा जो पिन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी ऐसा करके आराम से अपना न्यू कार्ड का पिन जनरेशन कर सकते। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे जो भी है वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।